अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। तो क्या कहा उन लोगों ने? ना उन्होंने हाँ कहा है और ना भी नहीं कहा। अरे ऐसी पगली बहू पूरे जिले में तो क्या पूरे स्टेट में नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अम्मा जी का घमंड ना टूटते हुए देखना चाहती हूँ। अब उनसे नाराज है ना? नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं करी है। कैसी लगी लड़की माँ? लड़की में ऐसा क्या है जो पसंद आए? का मतलब? माँ बताएंगे। अरे केदार भाई साहब के परिवार का क्या कहना, खानदानी लोग हैं, केदार भाई साहब का पूरा परिवार सज्जन। अरे वो तो ठीक है, पर लड़की देखने में कैसी है? भैया लड़की देखने में भले ही सुंदर है लेकिन उसकी हरकतें, उसका पागलपन। छोटी उम्र है, बचपना है। हाँ बचपना तो इतना है कि उसके मन में बड़े या जेठ के लिए कोई इज्जत ही नहीं, घर वालों ने तो कुछ सिखाया ही नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, और उसमें अकल तो दो कौड़े की भी नहीं। वही तो मैं भी बोल रही हूँ बेटा, बचपना है, लड़कपन है उसमें। हंसी मजाक में ज्यादा दिल लगता है उसका। पता भैया पूनम के ऊपर प्लास्टिक का सांप फेंक दिया। क्या? वही तो कह रही हूँ बेटा, हंसी मजाक में उसका ज्यादा मन लगता है, बचपना है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी सब ठीक है? कैसी बात कर रही है माँ? पर उसने हमारे सामने क्या क्या नौटंकी नहीं किया? क्या किया उसने? अरे हम लोगों को गाना सुनाया, हंसाया सब लोगों को, और क्या किया? लड़के की उम्र का है? 18-19 साल की। तो माँ 18-19 साल की लड़की कोई बच्ची नहीं। वही बात तो हम कह रहे हैं भैया। देखो माँ ऐसा है, सोच समझ लो, लड़की को देख परख, ऐसी लड़की जिसके अंदर संस्कार नहीं, जो हमारे घर में आके बड़ों की इज्जत ना करे, तुम्हारी इज्जत ना करे। लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती है माँ। समझ रही हूँ बेटा तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अगर उसका लड़कपन छोड़ दो तो लड़की सोना है सोना। उस लड़की को अगर रहना होगा तो इस घर के नियम कायदे, इसकी परंपराओं के अनुसार ही रहना होगा। इसीलिए तो बेटा अभी हमने हाँ नहीं कहा है। देखो माँ मैं साफ साफ कह चुका हूं, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर नाप तौल कर। किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, कट गया, पता नहीं किसका फोन था। हेलो कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ, आप पहुंच गए? अरे हाँ भाई साहब बहुत बहुत पहले ही पहुंच गए। वो आपसे मुलाकात नहीं हुई ना इसलिए फोन कर दिया। वैसे कल आप आ रहे हैं ना हमारे सेंटर से गाइड लेने? नहीं नहीं कल नहीं, मैं परसों आऊंगा। बाकी शादी तय हो गई? हम क्या पागल हैं जो उस बेवकूफ लड़के के साथ अपने भाई की शादी करेंगे? देखा मैंने कहा था ना शादी तय नहीं हुई। अरे तो फोन काट दीजिए, बस यही मालूम करना था। हेलो 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 हेलो, अरे बीच में ही काट दिया। किसका फोन था भैया? वो केदार चाचा के छोटे भाई हैं,
रघुनाथ जी, उन्होंने तुम्हें सारी कहानी बताई कि ये लड़की आधी पागल है। अरे नैना की माँ, आज तो पकौड़े बनाओ। भैया के घमंड को चकनाचूर तो होना ही था, शादी से इनकार कर दिया उन लोगों ने। अरे आपके भाई साहब को घमंड बहुत, देखा कैसे कह रहे थे हमरी बिटिया कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना जाएगी, और कैसे गवारों की तरह चिल्ला रहे थे। हाँ, बुढ़े का रिश्ता लेके आए हो, हमरी बिटिया बुढ़े के लायक है का? अरे शर्म नहीं आई तुझे? काहे का शर्म, आज किसको शर्म आ रही होगी। हाँ, तुलसी को देखते लड़के वालों ने कहा होगा, अरे हमें नहीं करनी इस पगली से शादी। तब इन्हें इनकी औकात का पता चला होगा, आज तो उनके घर पे खाना भी नहीं बनेगा। इसीलिए पापा तुलसी के घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज तक नहीं आई। अरे जिनकी बेइज्जती हुई हो ना, उनके हलक से निवाला उतरेगा कैसे भला। ए, हम तो कहते हैं कि अब कोई बुढ़ा भी नहीं मिलेगा उसको, बेटी की हरकत देखी नहीं, और चाहत तो देखो, राजकुमार चाहिए बेटी के लिए। अरे भैया अभी ना पुराने जमाने में जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो एक इज्जतदार और खानदानी घर से हैं, उसी से उनकी बेटी की शादी हो जाएगी। अरे इज्जतदार और खानदानी लोग मुंह से बोलने से नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ होना भी चाहिए। अब आपके पास है ही क्या है? जमीन के नाम पर 5 बीघा जमीन है, एक बेटा है जो बीमा में एजेंट है, और बेटी है वो भी पागल, और साल में 1 जोड़े कपड़े बनते हैं वो भी होली पर, काहे की इज्जत, और खुद को बड़े खानदानी कहते हैं। अरे तुलसी के लिए रिश्ता लेकर तो गए थे, उनका व्यवहार ऐसे था जैसे मैं उनका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ और उनकी बेटी को नर्क में ढकेल रहा हूँ। उस दिन तो मैं खून के घूंट पी गया, आज देखो वो जिंदगी भर खून के घूंट पीते रहेंगे। अरे एक काम करते हैं, कल उनके घर जाते हैं, ठीक है? अब इतना जख्म दिया है तो थोड़ा तो नमक छिड़कना पड़ेगा ना। हाँ मम्मी, अगर तुलसी की शादी नहीं होगी तो क्या वो ऐसे ही कुंवारी रहेगी? अरे बिटिया, उसके लक्षण तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। मैं सोच रही थी कि कलेक्टर बनने के बाद तुलसी को अपनी गाड़ियां साफ करने के लिए रख लूं, फिर मेरी चचेरी बहन है। अरे क्या हुआ बिटिया? ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक। देखा ये तुलसी मनहूस इतनी है कि इसका नाम लेते के साथ कुछ ना कुछ मेरी बिटिया को हो जाता। देखो तुम सबको एक एक समोसा दूंगी और मैं 2 खाऊंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ बोलो, जल्दी खोल ना, इतनी देर करता है। अरे इसमें तो सिर्फ पानी की बोतल है। वो शरबत की ठंडी बोतल कहाँ है? उसकी ठंडी बोतल? अरे बुआ, मैंने तो ठंडी की बोतल खिड़की पे रखी थी। नीचे तो 1 नंबर का बुद्धू, मैंने तुझे कहा था ना कि थैली में रखना, अब समोसे कैसे खाएंगे? दीदी पर समोसा तो आया है ना? अरे खसू, लेकिन ठंडी शरबत के बिना समोसा खाने का मजा आएगा क्या? अब कौन लेके आएगा? खकनू? नहीं नहीं मैं नहीं लाऊंगा, ऐसे ही खा लेते। अरे नहीं, ठंडे के बिना समोसा खाने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अब एक काम कर, लीजिए तू जाके ले क्या। अरे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो मैं फिर आने नहीं देगी। अरे हाँ भाभी तुझे फिर से भेजेगी ही नहीं। गुलू एक काम कर, तू ले क्या। नहीं नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो तुम सारे लोग ये समोसे खा जाओगे। अरे गोलू तुम जाओगी नहीं तो हम समोसा कैसे खाएंगे? अरे नहीं खाएंगे बाबा, ये देख तू जल्दी से भाग के ले क्या, और फिर हम सब साथ में बैठ के समोसा खाएंगे। हाँ पहले गांठ बांधो पूरा। ओहो ये ले, ये देख, हम नहीं खाएंगे ना समोसे? नहीं। ये देख बस ये ऐसे ही रखे, तू भाग के जाके ले। अरे जाना जल्दी। सच्ची बोलो कोई खाओगे नहीं ना? अरे नहीं।
खाएंगे, नहीं खाएंगे ना? अरे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जब तू लेके आएगा ना तो मेरे समोसे से एक टुकड़ा तुझे दूं। ठीक है, अब जा जल्दी भाग के लेके आ। अब तू जा जल्दी जा, समोसे ठंडे हो जाएंगे। खाओगे नहीं ना? अरे नहीं खाएंगे बाबा, तू जा जा। क्या बात है बहुरिया, हमसे नाराज होगा? अरे नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सुना कि तुलसी को लड़के वाले देखने आए थे राजपुर से। हाँ आए तो थे। लो, अपने घर की लड़की को लड़के वाले देखने आए और घर वालों को पता न चले, ऐसा भला होता है का? अरे नहीं चाची, सिर्फ मुलाकात के लिए आए थे, कोई सगाई थोड़ी हो रही है। अरे बहू, सगाई तो तब होती ना जब रिश्ता पक्का होता। लेकिन लड़के वाले तुलसी को देखने आए थे ना? हाँ देखने तो आए थे। लो, और हम लोगों को पता ही नहीं। देखना, हमरी नैना को जब बड़े बड़े लोग हमरे घर पर देखने आएंगे ना तो हम तो दो दिन पहले से ही बता देंगे सबको, और वो भी बताने की क्या जरूरत है? अरे जब हमरे दरवाजे पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां लगेगी ना तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि हमरी नैना को देखने आए। अब नैना की बात अलग है चाची। हाँ सो तो है, हम समझ सकते हैं बोरिया कि बस तुम लोग ये चाह रही हो कि तुलसी का कैसे भी करके ब्याह हो जाए। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, गांव वालों से जरा छुपा के करना। आपको कहा है ना कि गांव वाले किसी का भला थोड़ी ना चाहते हैं। जो भी किया अच्छा ही किया, लेकिन हम तो अपने हैं ना लड़की की चाची। अरे शोभा कैसी हो? हम तो ठीक है। कैसे लगे लड़के वाले? अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया? कहा दीदी, आप भी ना। अरे हमको अगर पता चल गया तो कोई अनर्थ हो गया का? अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। देखने दिखाने की बात आज तक छिपी है का जो ही छिपेगी? अरे वो का है ना कि नैना के पापा शहर गए थे, वहां राजपुर का एक आदमी मिला, वो कहने लगा हमरे परिवार से आपके गांव में लड़की देखने गए। पूरे गांव को तो पता चले गए ना, गोलू पूरा दिन यही था। अरे बहुरिया लेकिन हमको तो शहर से पता चला ना, वैसे शादी तो पक्की हो गई ना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी अभी तो देख कर गए हैं ना। आप तो जानती हैं चाची, शादी में आजकल कितना कुछ देखा जाता है, लोग पूरा देखने सुनने के बाद ही फैसला करते हैं। अरे वही तो कह रहे ना दीदी कि अगर लड़की उन लोग को पसंद होता तो मुंह पे ना कह देते कि हमको लड़की पसंद है और शादी के दिन देखने के लिए कहते। शादी का दिन तो पंडित जी देखेंगे ना। अरे दीदी आप भी ना। अरे दीदी जो लोग ये कहना कि फैसला कोई और करेगा और या ये कहे कि हम जाने के बाद बताएं, तो ये समझ लीजिए कि उसको आपके घर में रिश्ता करना ही नहीं है। कितनी देर हो गई अभी तक नहीं आया गोलू? खगनू देखना जरा वो आ रहा है क्या, चारों तरफ देख जरा। नहीं दीदी कहीं देखा ही नहीं दे रहा है। गोलू भी ना इसे ना भेजना ही नहीं चाहिए था, हर काम में कितनी देरी लगाता है। कहीं बुजनी काकी और पपी काका ने उसको पकड़ तो नहीं लिया होगा ना? बुआ कहीं वो अकेला ठंडा तो नहीं पी रहा है? लीची तू कितना बुद्धू है, समोसे तो हमारे पास है, तो वो अकेले ठंडा कैसे पी रहा होगा? दीदी लीची को भेजो वो देख आएगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तुमने रखी थी उसे मिल नहीं रही होगी। अरे मैंने खिड़की पे रखी थी, उसको तो दिख जानी चाहिए थी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तुम जाओ। अरे चुप रहो तुम दोनों। खगनू इधर आ, इधर आ। हम लोग एक काम करते हैं, 10 तक गिनते, अगर तब तक गोलू नहीं आया तो हम ये सारे समोसे खा जाएंगे और उसको एक भी नहीं देंगे। हाँ ठीक है
चलो गिनती शुरू करते, चलो चलो। एक दो तीन चार पाँच, जल्दी बोलो ना, छह सात आठ नौ दस, चलो 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 दस। अरे रुको रुको दीदी, रुको। गोलू ठंडी की बोतल कहाँ है? मैंने ला, क्योंकि मुझे पता था कि आप सब लोग मिलके समोसे खा जाओगे, इसलिए मैं झाड़ के पीछे छुप गया था। बूंदे हो सकते हैं इसका। क्या? तो तुम मतलब लेने गया ही नहीं? नहीं। भगवान, बुद्धू है एक नंबर का। अब सिर्फ समोसे खाने पड़ेंगे और वो भी ठंडे। अब बैठ। अरे दीदी आप समझती कहे, अरे कोई भी लड़का वाला लड़की को देखने आएगा तो कुछ तो लड़की में देखेगा ना। अरे लड़की में कुछ तो गुण होना चाहिए। क्या बताएं, रात भर उसे बिठा के समझाया था, सिखाया था, साड़ी पहनाते वक्त भी बताया था उसे कि उन लोगों के सामने कोई उल्टा सीधा मत करना, लेकिन ये लड़की सीखने समझने लायक होती तो उनके सामने शराफत से बैठती ना। माँ जी बुद्धि वालों को समझाया जाता है। अब क्या कहें, हर चीज को हंसी मजाक में उड़ा देती है ये लड़की। अरे दी अब आपकी बेटी ने तो अपनी चाह दी, उन लोगों के नजर में आपके परिवार वालों की क्या इज्जत रही, आप ही बताइए। अरे उन लोग अपने गांव अपने परिवार वालों में ना जाने काका कह रहे होंगे। इसी चिंता के मारे रात भर सोए नहीं हम। अरे नैना के पापा तो इतना अच्छा रिश्ता लेके आए थे, ना कुछ देखना था ना भालना था ना सुनना था, इतना अच्छा लड़का था, घर था, पैसा था, नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन भाई साहब को बस हम ही लोग दोषी लगने लगे। लेकिन चाची जिसकी किस्मत में ही दुख लिखा होता है तो खुशी उसके दरवाजे से आके लौट जाती है, क्योंकि उसकी मती मारी हुई है। अब तो हमको लगता है कि तुलसी का ब्याह राम ही भरोसे। अरे कौन करेगा इसी लड़की से शादी? हाँ हाँ भाभी जी हाँ, बस एक मिनट में अभी बताता हूँ आपको जी। अरे तुलसी की माँ, तुलसी का जन्म 1994 का है या 1995 का? 94। भाभी जी लिखिए 12 जुलाई 1994 जी 7:05। जी सुबह का, जी हाँ सुबह 7:05 जी। जी प्रणाम। अरे तुलसी की माँ, सुमित्रा भाभी का फोन था राजपुर से, अरे उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया है। क्या कहा आपने? उनकी हाकिम सिंह से बात हो गई है, उनको ये रिश्ता मंजूर है। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। गंगा बिल्कुल ठीक कह रही है, सारी रात परेशानी में था, पता नहीं क्या होगा।
सब ठीक हो गया। जी, आपने फोन किया या उनका फोन आया था? अरे मुझे फोन करना होता तो मैं पहले ही कर लेता। उन्होंने कहा था वो खुद फोन करेंगे। सुमित्रा जी ने क्या बोला बाबूजी? भाभी जी ने कहा है कि उन्होंने और हाकिम सिंह ने पूरे परिवार से बात कर ली है, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल वो पंडित जी को भेज रहे हैं कुंडली लेकर। अब किसी पर भगवान की नजर हो तो कुंडली तो वैसे ही मिल जाया करती है। हमारी तुलसी पर तो साक्षात भगवान की कृपा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कल जब वो लोग जा रहे थे तो काफी परेशान और गुस्से में लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारी तुलसी को पसंद कर लिया। बहू, मैंने कहा था ना, लड़के को हमारी तुलसी पसंद आ गई। प्रभु की कृपा है तुलसी की माँ। चलो वो बक्सा खोलते हैं, कुंडली निकालनी है। हाँ, चलिए चलो चलो।